वरुण प्लीज समझने की कोशिश करो, हम शादी इस तरह नहीं कर सकते। ये बात मैंने कितनी बार तुमसे बताई है कि मैं प्यार भले ही तुमसे करती हूँ लेकिन शादी अपने भैया की मर्जी से करूँगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। बचपन से लेकर आज तक के उन्होंने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, तो फिर मैं उनकी ख्वाहिश को क्यों ना पूरा करूँ। ये तो तुम्हें तब सोचना था ना जब तुमने मुझसे प्यार किया था, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे यार, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या हर्ज है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेरे भैया से मिलो और बात करो, अगर भैया मान गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। यार तुम्हारे भैया को भी पता है कि मेरे पास सिर्फ एक बीघा जमीन है और मैं दिन भर इधर उधर गुंडागर्दी करता रहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे भैया नहीं मानेंगे। क्या सोच रहे हो अंजलि? चलो हम लोग आज ही मंदिर में शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद भैया के पास चलेंगे, फिर तुम्हारे भैया भी मान जाएंगे। चलो अंजलि। अरे वरुण छोड़ो, मेरा छोड़ो, मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। तुझे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, अगर तू सीधी तरह से मान गई तो ठीक, नहीं तो तेरी लात से शादी करूंगा। इडियट, इतनी गंदी सोच है तेरी। पहले तो भैया से बात करके तुझसे शादी भी कर सकती थी, लेकिन तूने वो मौका भी गवा दिया। तू मुझसे शादी करने के लिए इस तरह मरा जा रहा है? शादी तो दूर, मैं तेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करूंगी। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने तुझ जैसे लड़के से प्यार किया। आज से भूल जाना कि मैं कभी तेरी जिंदगी में भी थी, और मैं भी भूल जाऊंगी कि तू मेरी जिंदगी में था। आप क्यों मरे जा रहे हो उसी के पीछे? दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, आप किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, जो भी उससे शादी करेगा वो करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति? वो कैसे? वो ऐसे। अरे छोड़ो, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। और भाई क्या हाल है? ठीक है। क्या भाई, मैंने आपसे काम के लिए बोला था लेकिन अभी तक आपने मुझे कोई काम नहीं दिलवाया। भाई बताओ, अगर कोई काम हो तो यार मैं भी चार पैसे कमाऊं। अरे जा यार, मैं खुद बेरोजगार घूम रहा हूँ तो तुझे कहाँ से काम दिलाऊं? इतना हट्टा कट्टा शरीर लिए घूम रहा है और दिखने में भी ठीक ठाक है, जा कहीं और काम ढूंढ और कर। ए, सुन, अबे यहाँ यहाँ। हाँ भाई, समझ ले कि तुझे काम मिल गया। कौन सा काम है भाई? देख, ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुझे ये काम हर हाल में करना ही पड़ेगा। भाई पहले काम तो बताओ। सुन, मैं एक लड़की से प्यार करता था और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती है, तो तुझे उससे पटाकर उससे शादी करनी है। क्या, शादी करनी है? भाई ये कैसा काम है? हाँ शादी करनी है। अरे भाई मुझे नौकरी चाहिए, छोकरी नहीं। मेरी बात सुन, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसके भाई ने ये बोल रखा है कि जो भी उसकी बहन से शादी करेगा वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा देगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी करोड़ों में है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तू उसे अपने प्यार के जाल में फंसा और उससे शादी कर, फिर उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी और उसके बाद मैं तुझसे अपने नाम करवा लूंगा। तो भाई फिर इसमें मेरा फायदा क्या होगा? प्रॉपर्टी तो आप ले लोगे, मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं तुझे इस काम के पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। क्या, 5 लाख रुपए? हाँ। तो भाई फिर चलो दिखाओ कौन सी लड़की है। चलो। वो देख, यही वो लड़की है जिससे तुझे प्यार का झूठा नाटक करना है और इससे शादी करनी है। बैठो चलते हैं। भाई ये लड़की है? नहीं भाई, ये काम कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ये काम। क्यों, क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई उसे देखो और मुझे देखो, वो कितनी अमीर और खूबसूरत है और मैं, मेरे पास ना तो कोई महंगा फोन है, ना महंगी गाड़ी है, ना महंगे कपड़े और ना महंगे जूते हैं। मैं कहाँ पैदल चलने वाला, मुझसे वो कहाँ पटेगी? भाई ऐसी लड़कियाँ सिर्फ उन लड़कों से फंसती हैं
जिनके पास अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते, अच्छा फोन, जो देखने में एकदम अमीर लगते हो। भाई मुझे नहीं लगता ये मुझसे फंसेगी। भाई ये सही कह रहा है, ऐसे लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों से ही फंसती हैं। लगता है मुझे अपनी एक बीघे जमीन बेचनी ही पड़ेगी। ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं दूंगा तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम्हें ये काम हर हाल में करना ही पड़ेगा। ओके भाई। हाँ यार मैं आ रही हूँ यार, 2 मिनट में पहुँच जाऊंगी। वो मैं पैदल आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा, थोड़ा वेट कर लो बस, मैं अभी पहुँच जाऊंगी यार, करती हूँ फोन। अरे मेरा पर्स, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। ये लीजिए आपका बैग। थैंक यू सो मच, आपने मेरा बैग बचा लिया। ये मेरा फेवरेट बैग है, मेरे भैया ने विदेश से मंगाया है। जब आपका ये फेवरेट बैग है तो फिर आपसे ये दूर कैसे जा सकता है। चलता हूँ। आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं इस तरफ जाऊंगा। मेरी फ्रेंड आगे मेरा वेट कर रही है और मुझे लेट हो रहा है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? आप क्या सोच रहे हैं, एक खूबसूरत लड़की आपसे लिफ्ट मांग रही है और आप सोच रहे हैं? मैंने सोचा था कि मैं अपनी बाइक पर कभी किसी लड़की को नहीं बिठाऊंगा, लेकिन आपको देखकर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरा दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं दे रहे हैं। आप दिल की सुनिए, दिमाग तो बस उलझाता रहता है और दिल हमेशा जो सही होता है वही बताता है। तो फिर मैंने अपने दिल की सुन ली, आइए। भाई आपने लड़का तो बहुत स्मार्ट सुना है, देख रहे हो कैसे लड़की को बातों बातों में फंसाकर उसे इंटरेस्ट कर रहा है। लगता है आपका काम हो जाएगा। इसीलिए तो इसे पकड़ा है। ये तू क्या कर रहा है जग्गू? मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तेरी वजह से मिश्रा जी ने मुझे टेंडर नहीं दिया। मैंने बहुत सही किया, क्योंकि तू कोई काम सही से नहीं करता है, हर टेंडर में मिलावट करता है। अच्छा मैं मिलावट करता हूँ? आज मिलावट नहीं करूँगा, आज तुझे शुद्ध मौत दूंगा। तू इन्हें मारने जा रहा था? तुझे पता है कौन है? इनकी वजह से हजारों घरों में चूल्हे जलते हैं और तू इन्हें मारने जा रहा था? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ भाई, मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। चल भाग भाई। ये गन मुझे दे दो, देखने में तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे नहीं सर, मैंने आप पर एहसान नहीं बल्कि भगवान ने मुझ पर एहसान किया है जो मुझे आपकी जान बचाने का मौका मिला। बातें बहुत अच्छी करते हो। थैंक यू सर। अच्छा मैं चलता हूँ, अंजलि चलो। ये लीजिए। कितना हो गया भैया? 15,000 रुपये। 15,000। नेट स्लो है, पेमेंट हो नहीं रहा है, क्या मैं बाद में कर दूं आपको? नहीं मैम, अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। भैया मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं,
लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रहा, और आज मैं कैश भी नहीं लाई। तो मैं कर देता हूँ पेमेंट। हाँ मैं कर देता हूँ पेमेंट। मैं आपको जानती भी नहीं और आप हर बार मेरी मदद करने आ जाते हैं। मदद करने के लिए जान पहचान की ज़रूरत नहीं होती, और मदद हर इंसान को करनी चाहिए, और आप दिल की बहुत अच्छी लगती हैं, तो फिर आपकी मदद करने में सोचना कैसा। लेकिन आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे दिलते हैं। फिर तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। भैया कितने रुपये हुए? 15,000 रुपये। हो गया भैया पैसे। थैंक यू। अरे आप और पैदल जा रही हैं? मैं अपने फ्रेंड्स के घर गई थी ना, तो वहीं से आ रही हूँ, और इस रोड पे टैक्सी भी नहीं चलती, तो इसीलिए पैदल जा रही थी। अच्छा आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, वैसे भी आपने मेरी कितनी बार मदद की है। तो इसमें क्या हुआ यार, अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर इंसान होने का फायदा है क्या। अच्छा बातें अच्छी बना लेते हो। अच्छे लोगों के सामने अच्छी बातें निकल ही आती हैं। अच्छा अब आप अपने इन कोमल पैरों को तकलीफ मत दीजिए, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं आप चले जाओ, मैं चली जाऊँगी। लगता है मैंने आपकी मदद करके कोई बुराई की है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं रुको, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। बाय बाय। ये लड़का बहुत पसंद है मुझे, स्मार्ट और अच्छे दिल का भी है, और किसी लड़की से चक्कर भी नहीं है इसका, इससे अपने दिल की बात बोल ही देती है। लेकिन ये मुझे एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। यार काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे इससे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं ये मानेगी कि नहीं। रुकिए। जी बताइए। आज की दुनिया में आपके जैसे इंसान बहुत कम होते हैं, और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर हो उसका। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे आपसे प्यार हो गया है, आई लव यू। सॉरी मैंने अपने दिल की बात आपसे कह दी, अब मुझे अफसोस नहीं रहेगा। आप मुझे एक्सेप्ट करिए या नहीं ये आपकी मर्जी। रुको। I love you too. कहाँ रह गया ये, अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया। भाई तूने तो कमाल कर दिया, जिस लड़की को पटाने में मैंने पूरा एक साल लगा दिया, तूने उसे एक हफ्ते में पटा लिया, और उसने तुझे खुद प्रपोज किया। मान गया तेरे टैलेंट को यार। भाई वो मुझे अपने घर ले गई थी, और उसने मुझे अपने भैया से भी मिलवाया,
और उसके भैया शादी के लिए मान गए हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, और अंजलि के भैया ने कहा है कि एक महीने के बाद वो मेरी और अंजलि की शादी करवा देंगे। क्या, एक महीना? ये तो बहुत है यार। अरे भाई, वो उसके भैया बाहर गए हैं ना, तो वो एक महीने बाद लौट कर आएंगे, तब करवाएंगे शादी। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, भाई वो अंजलि ने गुच्ची का बैग मांगा है। क्या, गुच्ची का बैग? ये तो बहुत महंगा आता है, और वैसे भी वो इतनी अमीर है, वो तुझसे बैग क्यों मांगेगी? अरे भाई, जब लड़का लड़की प्यार करते हैं तो लड़की चाहते है कि लड़का उसे महंगे महंगे गिफ्ट दे, उसकी केयर करे। अच्छा। हाँ भाई, और अगर मैंने उसे बैग नहीं दिया तो वो गुस्सा हो जाएगी और वो मुझसे शादी भी तोड़ सकती है। भाई, आपके पास अभी वो 1500 बचे हैं ना, बेच दो उसी में से थोड़े। भाई, मैं दूंगा तुझे पैसे, तू कैसे भी करके उसे शादी कर ले। तू घर जा, मैं तुझे पैसे भिजवा दूंगा। ओके भाई। भाई, वो मैंने अंजलि को गुच्ची का बैग दिया, वो तो बहुत खुश हो गए यार। अरे वाह। लेकिन भाई, वो उसका फोन टूट गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसे एक आईफोन गिफ्ट कर दूं, भाई वो और इंप्रेस हो जाएगी। अभी वो 1000 बाकी है ना। ठीक है, तू जा, पैसे पहुंच जाएंगे। अरे भाई 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 भाई, रुको रुको। हाँ बोल भाई। वो अंजलि कल शॉपिंग चलने के लिए कह रही थी। तो भाई कुछ पैसे दे दीजिए। प्रदीप। हाँ। ओके भाई। तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? हट जाओ सामने से। टेंशन क्यों लेते हो विक्रम साहब? मैंने तुम्हारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें? अबे रोड पर आ गए हो तुम दोनों, फिर भी अकल नहीं आ रही है। रोड पर? वो भी मैं? हाँ, तुमने जिस लड़के से अपनी बहन की शादी की है, वो कोई और नहीं, मेरा भेजा हुआ आदमी है। उसने मुझसे पैसे लिए हैं तेरी बहन से झूठा प्यार और शादी करने के लिए, और तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी है, और अब मैं उससे अपने नाम करवा लूँगा। और हाँ, वो ठहरा गरीब, वो तेरी बहन को खुश भी नहीं रख पाएगा, और तेरी बहन दर दर की ठोकरें खाती फिरेगी, और तुम दोनों करोड़पति से रोडपति, और मैं करोड़पति बन जाऊँगा। करोड़पति, वो भी तू? अच्छा ये बता, अभी तक तेरे पास क्या था? मेरे पास 1 बीघा जमीन और घर था। अब क्या है तेरे पास? अब तेरी करोड़ों की दौलत, वो मेरी हो जाएगी। इसे तो तू भूल ही जा, जो है वो बता। क्या मतलब? रुक, अभी दिखाता हूँ। यही है जिसे तूने भेजा था? इससे पूछ किसकी साइड है। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये मेरा बहुत वफादार आदमी है, और ये मेरी तरफ है। क्या भाई, ये सही कह रहा है? अरे तू तो इतने में ही गुस्सा हो गया, असली बात बताने तो अभी बाकी है। तो सुन, ये विपिन है, मेरे कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड, और विपिन की अंजलि की शादी मैंने बहुत पहले तय कर दी थी।
विपिन दिल का बहुत अच्छा है, और इतने दिन से तू नहीं बल्कि मैं तुझे कंगाल बना रहा था, क्योंकि तूने मेरी बहन से बदतमीजी की थी, ये उसी का बदला है। लेकिन भैया आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था, वो सही समय आज आया है। देख लिया वरुण, लालच का फल, दूसरे की जमीन जायदाद हथियाने के चक्कर में खुद की जमीन जायदाद गवा बैठे। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है भगवान भी उसके साथ बुरा ही करते हैं। चलो रुको रुको दोस्तों, अभी जाना नहीं, अभी आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। हम लोग इसी 3 सितंबर यानी संडे को रख रहे हैं मीटअप अनंत भोग फैमिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स में, जिसका एड्रेस है बक्तूखेड़ा अजगैन उन्नाव कानपुर रोड। तो जो लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं वो वहाँ पर आकर डायरेक्टली मिल सकते हैं, और बहुत ही मजा आएगी, बहुत ही फन करेंगे, और हाँ जिसकी टाइमिंग है 3 बजे से। सो आप लोग जरूर 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 आइएगा, बहुत फन करेंगे। सो मिलते हैं मीटअप पे दोस्तों, आइएगा जरूर।